और उसके बीच में स्लैश का साइन है। अब इसी में दो नंबर जो हम यूज़ करते हैं, तो स्लैश से ऊपर की जो संख्या होती है, स्लैश से ऊपर के नंबर को हम कहते हैं न्यूमिनेटर, स्लैश से ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिनेटर, एंड स्लैश के नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और ये आपका स्लैश, यानी जो आपका बार का साइन है, बट्टा है, उससे ऊपर की संख्या को कहा जाता है अंश और नीचे की संख्या को कहा जाता है हर। तो अब आपको यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी पूर्ण का जो भाग है वो आपका कहलाता है फ्रैक्शन भिन्न। इसको हम निरूपित करने के लिए दो संख्याओं का यूज़ करते हैं। दो संख्याओं के बीच में एक स्लैश का साइन लगाया जाता है, बार का साइन। बार से ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है न्यूमिनेटर अंश, और बार के नीचे वाली संख्या को कहा जाता है डिनोमिनेटर हर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि कितने प्रकार के हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन के टाइप होंगे। तो कितने प्रकार के टाइप हैं, इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के भाग, भिन्न के भाग। तो जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको ये देखना है, अभी हमने कहा किसी भिन्न को हम, यानी किसी फ्रैक्शन को हम 2/3, 5/6, 7/3, 9/5 के रूप में, यानी किसी भी टू टाइप में हम ये फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो अगर आप इन फ्रैक्शंस को देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखते हो ये फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें जो ये न्यूमिनेटर हैं वो डिनोमिनेटर से लेस है, डिनोमिनेटर से लेस। बट इन दो फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। यहाँ पर न्यूमिनेटर 2 है, यहाँ 3 था डिनोमिनेटर, तो ये लेस हो गया। 5 इज़ लेस देन 6, 7 इज़ लेस देन, 7 इज़ ग्रेटर देन 3, 9 इज़ ग्रेटर देन 5। मीन्स हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम पहला फ्रैक्शन पढ़ते हैं कि अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। मीन्स उचित भिन्न, इसको हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश, जिसका अंश हर से छोटा होता है, छोटा जिसका अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 8/9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, उचित भिन्न है। 8/9 एक उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों है, क्योंकि 8 इज लेस देन 9, कि जो हमारा अंश है वो हर से
छोटा है यानी 8 का मान 9 से कम है, इसलिए हम 8 अपॉन 9 को उचित भिन्न कहते हैं।